अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की तेवी बिरयानी। सो लेट्स मूव टू द इंग्रेडिएंट्स। हम लेंगे हाफ के जी राइस, चिकन हाफ के जी, वन स्मॉल कप ऑयल, टू मीडियम साइज अनियन ले लेंगे, चार टोमेटोज, दो स्पून पेस्ट लेंगे जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों को मिलाकर आपने पेस्ट बना लेना है। गरम मसाला लेना है 8 to 10, ब्लैक पेपर लेनी है आपने, ज़ीरा अपने टेबल स्पून लेना है, दालचीनी 2 pieces, हाफ स्पून चिली पाउडर, 2 spoon सॉल्ट, 2 बादियान फूल, शाह बिरयानी मसाला आपने 1 स्पून भर भर के लेना है, सर्विंग स्पून सिंधी का भी और बम्बई का भी, योगर्ट 1/2 cup, कोरिएंडर, मिंट एंड लेमन। सो लेट्स मूव टू फ्राई आवर अनियंस। यहाँ पे हम अपनी अनियन को फ्राई करेंगे। जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे ऑयल में और चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। आपने इसको चिकन को भूनना है, इसको यहाँ पर ढक दीजिएगा फॉर 5 मिनट्स। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप ऑयल में चिकन को भूनते हैं। अब हम इसमें पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने बनाया हुआ था, अदरक का लहसुन और चिलीज़ का पेस्ट बनाया हुआ था, हरी मिर्चों का। इसको मिक्स करेंगे और हम 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। यहाँ पे आपने इसको मिक्स करके ढक देना है 5 मिनट के लिए। ये देखें इस तरह से कुछ हो जाएगा, चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से झाड़ लीजिएगा। अब इसमें बॉम्बे एंड सिंधी मसाला जो है शान का वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर दीजिएगा और 5 मिनट तक पकने दीजिएगा। 5 मिनट बाद जो है दही और टमाटर डाल के इसको 10 मिनट के लिए पकाइएगा। अब इसमें जो है टमाटर ने पानी छोड़ दिया, टमाटर नम पड़ गए हैं। अब इसमें आपने पानी शामिल करना है 1 लीटर। आपने इसको मिक्स करना है एक दफ़ा और आपने 5 मिनट्स के लिए इसको रख देना है बॉयल आने तक। फिर अपने चावल लेने हैं, चावल में आपने 8 to 10 आपने हरी मिर्चें लेनी है, वो शामिल करके फिर इसमें चावल डाल दें। हल्का चमचा चला के आप इसको 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 15 मिनट के बाद हमारे चावल जो हैं वो इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, बहुत खिले खिले, लेकिन इसमें कनी बाकी होगी। उसके बाद इसमें आप जर्दे का रंग, टोमेटोस, लेमन, हरा धनिया, पुदीना डाल के और अनियन फ्राइड डालकर ऊपर डाल के गार्निश करके इसको ढक दीजिएगा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपकी बेहतरीन सी देवी बिरयानी तैयार है जो बहुत मज़ेदार होती है जायके में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।